मेरे पास माशाल्लाह से वाइट हैवी बफ पड़े हुए हैं, गोल्डन हैवी बफ पड़े हैं, इंग्लिश गेम पड़े हैं, गोल्डन बेंटम पड़े हुए हैं। ये सारे चूजे तकरीबन उम्र इनकी 2 माह के आसपास होगी, ये सारे मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। ये वाइट बेंटम है, वाइट बेंटम का जोड़ा 1300 का मिलेगा, इस चीज़ को बोलते हैं वाइट बेंटम, 1300 का पेयर मिलेगा। इंग्लिश गेम पड़ा हुआ है माशाल्लाह से, इंग्लिश गेम 2600 का जोड़ा मिलेगा, एक नर एक मादी। गोल्डन गोल्डन ब्लैक सिल्क की 2600 का जोड़ा, 2 माह का गोल्डन हैवी बफ मिल जाएगा, 2000 का जोड़ा। पर बैंटम 1500 का जोड़ा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर अफियत से होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हैंस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास कौन कौन सी वैरायटी पड़ी हुई है, कितना माल पड़ा हुआ है हैंस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से। बैंटम बफ पॉलिश बहुत सारी वीड्स के अंदर चिक्स मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं, जो कि मिल सकते हैं आप दोस्तों को, कार्गो ऑल ओवर द पाकिस्तान हो जाएगी, वो भी दिखाता हूँ। और कुछ सेटअप को चेंजिंग वगैरह करनी है, वो भी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि हमने क्या चेंजिंग करने लगे हैं। आप दोस्त देख सकते हो सेटअप का ना, इधर कोई थोड़ा मज़ा नहीं आता देख के ना, यानी कि ये वाले केज भी बिल्कुल भी प्यारे नहीं लगते, वो भी थोड़े से केज टूटे हुए हैं। इस जगह पे भी जगह इधर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको यूज़ बहुत कम किया गया है। तो अभी मैंने जो सोचा है वो इस तरह होगा, अभी ईंटें वगैरह भी आ रही हैं, तो इस जगह पे ना सारे केजेस वगैरह बना दी जाएंगे। जिस तरह ये पिजन वाले हैं ना, इसके ऊपर पूरी लाइन खड़ी की जाएगी, इसी तरह के केजेस की इधर हम पिजन ला के रखेंगे, और भी काफ़ी सारे पिजन जहाँ पे ला के रखेंगे, चकोरे वगैरह रखेंगे। और ये जो जगह ज़ाया हुआ है, इस जगह पर भी हम सारे केजेस वगैरह बना लेंगे, इसको भी सारी को तोड़ देना है, इसकी जगह भी हम दोबारा से बड़े केजेस बनाएंगे, इधर टर्की वगैरह रखेंगे। और ये जो जगह है इधर में थोड़ी सी जगह इधर बची हुई है, मैं दिखाता हूँ ये वाली जगह, यहाँ पे भी हम डबल केज बना सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमने केज बनवा देना है। और ये जो केजेस हैं इनका ये है कि ये भी केजेस कोई मज़े के नहीं है, तो पहले इन केजेस के फ्रंट लगवाना है इन सब केजेस का, और ये ऊपर वाले जो केजेस हैं इनकी छतें थोड़ी सी चेंज करने वाली हैं, ये चेंज कर देनी है। ये सेटअप आप लोगों ने प्रॉपर तौर पर देखा हुआ है। अगर आप दोस्तों को लगता है कि मुझे कहीं और जगह पे भी केज बनाने चाहिए, लाइक एज अगर आप देखते हो तो इस जगह पे कोई और चीज़ रख लें, या हम जो केजेस बनाएंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ रखनी है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरी से बता सकते हैं कि आपने ये चीज़ लेकर आनी है, या केजेस किस हिसाब से बनाऊँ, या किस तरह किस जगह पर केजेस बनाऊँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ अगर हम इस जगह पर ये जो सारी जगह है इसके ऊपर ऊपर भी जिस तरह हम पीछे वाले केजेस बना रहे हैं इस जगह पे, तो उसी तरह आगे वाले भी बना लें, ये भी अच्छा है। लेकिन इसके पीछे द्वार नहीं है, उनके पीछे द्वार है, तो उसके पीछे हम द्वार की जो केजेस है ना उधर बना लेंगे। और इस सेटअप पे ये जो जगह है ये भी जगह ज़ाया हुई है, इस जगह पे कुछ नहीं लगा हुआ, इस जगह को भी बिल्ट इन करके इधर भी चीज़ें हम रख सकते हैं और परिंदे लेकर आ सकते हैं। आप दोस्त देख सकते हैं माशाल्लाह से ये चिक्स मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं, इनमें से जितने भी चूज़े चाहिए होंगे मिल जाएंगे। इसके अंदर कौन कौन से चूज़े हैं जी? इसके अंदर इंग्लिश गेम के में चूज़े हैं, इंग्लिश गेम का पेयर 2600 का मिलेगा, 2.5 मंथ बर्ड्स की एज और क्वालिटी आप देख सकते हो, ये एज होगी। उसके अलावा क्या पड़ा हुआ है जी? उसके अलावा मेरे पास पड़े हुए हैं कोको बैंटम, कोको बैंटम की माशाल्लाह से क्वालिटी देख सकते हो, कोको बैंटम का पेयर मिल जाएगा, ये पेयर मिलेगा 1500 रुपये का, एक मेल एक फीमेल। उसके अलावा मेरे पास रोज़ कॉम के चिक्स पड़े हुए हैं, बफ के चूज़े पड़े हुए हैं, इंग्लिश गेम पड़ा हुआ है, वाइट बफ पड़े हुए हैं, ये थोड़े से चूज़े हैं। इसके अलावा छत पर बहुत सारे चूज़े पड़े हुए हैं, वो भी मिल सकते हैं, वो भी मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। अभी मैं ऊपर आया, इधर कौवे बैठे हुए थे, असल में ना ये कुछ अंडे हैं ख़राब, तो इन्होंने इधर रखे हुए थे, जिसकी वजह से ना कौवों ने सारी छत के ऊपर गंद डाल दिए। अभी ये भी साफ़ करना पड़ेगा सारा इनको, मैंने तो शॉप पे चले जाना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो चूज़े पड़े हुए हैं, असल में आज इलेक्ट्रिकसिटी गई हुई है, बिजली अभी बंद है, सुबह से ख़राब हो गई है। आपको दिखाता हूँ अंदर कौन कौन से चूज़े पड़े हुए हैं मेरे पास जी। मेरे पास माशाल्लाह से वाइट हैवी बफ पड़े हुए हैं, गोल्डन हैवी बफ पड़े हैं, इंग्लिश गेम पड़े हैं, गोल्डन बेंटम पड़े हुए हैं। ये सारे चूज़े तकरीबन उम्र इनकी 2 माह के आसपास होगी, ये सारे मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। ये वाइट बेंटम है, वाइट बेंटम का जोड़ा 1300 का मिलेगा, इस चीज़ को बोलते हैं वाइट बेंटम, 1300 का पेयर मिलेगा। इंग्लिश गेम पड़ा हुआ है माशाल्लाह से, इंग्लिश गेम 2600 का जोड़ा मिलेगा, एक नर एक मादी। गोल्डन गोल्डन ब्लैक सिल्क की 2600 का जोड़ा, 2 माह का इसके अलावा पड़े हुए हैं जी गोल्डन बैंटम 1600 का जोड़ा, माशाल्लाह से परिंदे का साइज़ और क्वालिटी देख लें। और
गोल्डन बफ पड़े हुए हैं, 2000 का पेयर, एक नर एक मादी, गोल्डन कलर में। इसके अलावा वाइट बफ भी पड़े हुए हैं, और भी काफ़ी सारी म्यूटेशन है इसके अंदर। अभी मैं और निकालता हूँ, ये देख ले, वाइट सिल्की पड़ा हुआ है। उसके अलावा इधर यही पड़े हुए हैं, इधर सारी यही म्यूटेशन है। मोल्टीट बैंटम इधर पड़ा हुआ है, मोल्टीट बैंटम 2000 का जोड़ा। ये सारे इधर हो गए माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। वीडियो देखते हुए माशाल्लाह लाजमी बोला करें, ताकि मेरे पिंदों को नज़र ना लगे। ये सारा छोटा बच्चा है, इसके अंदर टर्की अभी तैयार हो रहा है, टर्की है। अभी वेट करना पड़ेगा, जिस भाई की बुकिंग वगैरह भी है उनको भी मैंने बताया हुआ है, ईद के 3-4 दिन बाद माल मिलेगा। ये छोटा चूज़ा इकट्ठा हो गया क्योंकि बिजली नहीं है और चूज़ा छोटा है। छोटा चूज़ा अब पहले हम सेल नहीं करते, लेकिन इस बार अगर किसी को छोटा बच्चा चाहिए होगा ना, तकरीबन 1 माह तक का, तो छोटा बच्चा मिल जाएगा। छोटा बच्चा मेरे पास इस बार अवेल है, क्योंकि मेरे पास बच्चा निकला है बहुत ज़्यादा, तो छोटा बच्चा भी इस बार हम दे देंगे, ताकि हम बड़ा बच्चा दोबारा से पाल सकें। ये टर्की का और बच्चा तैयार हो रहा है, लेकिन ये नहीं मिलेगा, ये ईद के 3 से 4 दिन बाद मिलेगा। ये एक हमारा डक्स का बच्चा है, और इधर क्या लगा है जी, माशाल्लाह से इधर भी छोटा बच्चा है 1 महीने वाला, ये भी मिल जाएगा। और इधर है छोटे बच्चे, बिल्कुल 0 ही बच्चे, और नए बच्चे भी निकलने वाले हैं। और ये माशाल्लाह से, माशाल्लाह से ये है जी गोल्डन हैवी बफ, गोल्डन हैवी बफ मिल जाएगा 2000 का जोड़ा। और इसके अलावा ये कौन सा है, ये पता नहीं कौन सा है, मुझे खुद नहीं इसका नाम आता। अच्छा, सिल्वर बैंटम 1500 का जोड़ा, इंग्लिश गेम 2600 का जोड़ा। और इसमें और क्या चीज़ है दिखाने वाली, सिल्वर सबराइट 2000 रुपये का पेयर, सिल्वर सबराइट का। और क्या चीज़ है, मोटलीट बैंटम 2000 रुपये का पेयर, गोल्डन बैंटम 1600 का जोड़ा। यही चीज़ें हैं बार बार आ रही, अभी मेरे पास यही चीज़ें अवेलेबल है। गोल्डन बैंटम हो गया, ब्लू होगी, ब्लू बैंटम हो गया, ये चीज़ें अभी पड़ी हुई हैं मेरे पास। और इसके अलावा ये सारा, ये भी टर्की है, ये भी टर्की, ईद के 3 दिन बाद मिलेगा। जिस भी बंदे को चाहिए होगा, ईद के 3 दिन बाद मुझसे रब्ता करेगा। ये कुछ बच्चे निकले हुए हैं डक्स के माशाल्लाह से। इसके साथ साथ ही अभी मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ जी हमारा इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर में अल्हम्दुलिल्लाह से नया हैच निकल चुका है, नए अब चूज़े आ गए हैं, एक पैरट्स का बच्चा भी पड़ा हुआ है। उसके अलावा टर्की का अंडा माशाल्लाह से लगा हुआ है, उसके साथ फिर से टर्की का अंडा अल्हम्दुलिल्लाह से लगा हुआ है। ये सारे मुर्गियों के अंडे वगैरह, अंडे तक टर्कियों के अंडे लगे हुए हैं। ये हमारे माशाल्लाह से चूज़े पड़े हुए हैं, और ये कुछ तोतों के बच्चे हैं। पैरट्स के बच्चे का मैंने पहले भी रेट बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। इस तरह का बच्चा चाहिए होगा 3500 रुपये का बच्चा मिलेगा, और अगर छोटा बच्चा पिनों के अंदर चाहिए होगा 3000 का बच्चा मिलेगा। ये फाइनल एंड फिक्स रेट है, रेट के अंदर कंसेशन, बिल्कुल प्यार मोहब्बत वाला रेट है, रेट में फ़र्क नहीं किया, नहीं रेट में फ़र्क नहीं है, बिल्कुल मुनासिब रेट है। इसके अलावा पैरट्स के बच्चे नीचे भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, मैं वो भी दिखा दूँगा आप दोस्तों को। और ये बत्तख का बच्चा माशाल्लाह से। और इसके साथ साथ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अपने तोते। ये लाहौर से जो नए पैरट्स आए हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह से, ये है पाइन एप्पल किनोर, रेड फैक्टर के अंदर लाया हूँ पाइन एप्पल किनोर, जो मैं लाहौर गया हुआ था ना। लाहौर वाली वीडियोज़ वगैरह मेरे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं लगता, वो किसी दिन एडिट करके इंशाल्लाह वो भी अपलोड करूँगा।